जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं। मेरी सरकार की 5 साल की सफलता का कोई हकदार है तो भारत की जनता है। पर जो मैं नहीं बोलता हूं वो मैं डेफिनेटली करता हूं। पाकिस्तान लाशें गिनने में लगा हुआ है और ये सबूत मांग रहे हैं। जब शेर दहाड़ता है तो जंगल में सन्नाटा छा जाता है। ये अपमान करने वालों को सजा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? सेना का अपमान करने वालों को सबक सिखाना चाहिए कि नहीं सिखाना चाहिए? देश का चौकीदार, जनता का वफादार। 5 साल तक आपने अगर मुझे आशीर्वाद, समर्थन, सहयोग न दिया होता तो आज जो काम दिख रहा है वो मैं कैसे कर पाता? हिंदुस्तान बदल रहा है, विपक्ष जल रहा है। गरीबों के साथ गद्दारी कर रहे लोग अब इतना बौखला गए हैं कि देश के वैज्ञानिकों, देश की सेना, देश के नौजवानों के सामर्थ्य सबका, क्या ये अपमान आपको मंजूर है? मोदी है तो मुमकिन है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक और आप देख रहे हैं 2019 की 19 कहानियां। एक ऐसा शो जिसमें हम आपको आज की हर बड़ी खबर तो दिखाते ही हैं, साथ ही उस खबर की पूरी कहानी भी बताते हैं। 19 कहानियों में आज आपको बताएंगे कैसे पीएम मोदी ने 3 रैलियों से विरोधियों पर ताबड़तोड़ प्रहार किया, हार्दिक पटेल चुनाव क्यों नहीं लड़ सकेंगे, और बीजेपी ने समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट केस में कैसे कांग्रेस को निशाने पर लिया है। पीएम मोदी की आज 3 रैलियां हुई। पीएम सुबह ओडिशा में थे तो वहीं दोपहर को पीएम ने तेलंगाना के महबूब नगर में रैली की। शाम को पीएम ने आंध्र प्रदेश के कर्नूल में आम लोगों को संबोधित किया। पीएम ने 3 रैलियों में विपक्ष पर निशाना साधा और एयर स्ट्राइक का सबूत मांगने वालों को टारगेट किया। तो पीएम मोदी ने आज अपनी रैलियों से किस तरह से कांग्रेस समेत तमाम विरोधियों को जवाब दिया, इसे दिखाने से पहले आपको ओडिशा की रैली की कुछ खास पलों की तस्वीरें दिखा दें। प्रधानमंत्री मोदी को आशीर्वाद देने वाली इस महिला को लोग मां कमला के नाम से जानते हैं। मां कमला को इस साल पद्म पुरस्कार दिया गया। कोरापुट में पीएम मोदी ने ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देकर पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने वाली कमला पुजारी से मुलाकात की। माँ कमला के आशीर्वाद जब कमल को मिल जाते हैं तब वो आशीर्वाद की ताकत बहुत बढ़ जाती है। कमला पुजारी ओडिशा के आदिवासी और जनजातीय परिवारों से जुड़ी रही हैं। तो पीएम मोदी ने ओडिशा की रैली में बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाने वालों को टारगेट किया। ओडिशा के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब भारत आतंकियों पर कार्रवाई करता है, उन्हें घर में घुसकर मारता है तो भी ये लोग सबूत मांगते हैं। आप मुझे बताइए, आपको सेना पर भरोसा है कि नहीं है? सेना पराक्रम करने में सामर्थ्यवान है कि नहीं है? 1 महीना हो गया पाकिस्तान लाशें गिनने में लगा हुआ है और ये सबूत मांग रहे हैं। और पीएम मोदी ने स्ट्राइक और अंतरिक्ष में कामयाबी पर सवाल उठाने वालों को जवाब देते हुए कहा कि यह नया हिंदुस्तान बनाने का चुनाव है। साथियों, जब अंतःकरण साफ होता है तो अंतरिक्ष में भी सफलता तय होती है। ये नए भारत के नए आत्मविश्वास की ताकत है जिस पर पूरा देश
आज गर्व कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के महबूब नगर में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर फिर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी तेलंगाना की चिंता नहीं की, तेलंगाना के विकास के लिए हमेशा केंद्र ही आगे आया। कांग्रेस और दूसरों के अनेक वर्षों का शासन देखा है और इस चौकीदार के 60 महीने भी देखे हैं। विकास के ऐसे अनेक काम इन 60 महीनों में किए गए हैं जो दशकों से अटके और लटके पड़े थे। पीएम मोदी तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश के कर्नूल पहुंचे। पीएम ने लोगों को बताया कि किस तरह से मोदी सरकार ने आंध्र प्रदेश का विकास किया। आपके इस चौकीदार ने 5 वर्ष में आंध्र प्रदेश के हितों की पूरी चौकसी से चौकीदारी की है। आंध्र प्रदेश के लोगों की बरसों पुरानी मांगों को पूरा करने का काम किया है। समझौता ब्लास्ट फैसले पर बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि समझौता ब्लास्ट केस में बिना सबूत आरोपियों को कई साल तक जेल में रखा गया। जेटली ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में असली गुनहगार बच गए। समझौता ब्लास्ट केस में फैसला आने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस की घेराबंदी की है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि वोट के लिए कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद की साजिश रची। ये हिंदू आतंकवाद का एक नारा कांग्रेस ने दिया था वोट बैंक के लिए और उसको पूरा करना था, तो कई केसों में उन्होंने फर्जी एविडेंस के बेस पे ये थ्योरी बनाई थी। अरुण जेटली ने कहा कांग्रेस हिंदू आतंकवाद के फॉर्मूले को साबित करना चाहती थी, इसीलिए जांच सही ढंग से नहीं हो पाई। यूपीए और कांग्रेस के कार्यकाल में जहां कोई एविडेंस नहीं है वहां पूरे हिंदू समाज को कलंकित कर देना हिंदू टेरर की एक थ्योरी पैदा करके, यह इतिहास में पहली बार हुआ है। और इस प्रकार से 3-4 मुकदमे इस तरह के बनाए, उनमें से एक भी टिक नहीं पाया। समझौता ब्लास्ट केस में स्पेशल कोर्ट ने एनआईए की जांच पर सवाल उठाए थे। स्पेशल कोर्ट के जज ने कहा था कि सबूतों के अभाव में आतंकवाद का एक केस अनसुलझा रह गया। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन शक्ति घोषणा को विपक्ष ने आचार संहिता का उल्लंघन कहा था, लेकिन इस मामले में चुनाव आयोग ने पीएम मोदी को क्लीन चिट दे दी। अंतरिक्ष में भारत की नई कामयाबी मिशन शक्ति पर पीएम मोदी के संबोधन को आचार संहिता का उल्लंघन नहीं माना गया है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने पहली नजर में संबोधन के तथ्यों को आचार संहिता का उल्लंघन नहीं माना है। चुनाव आयोग की कमेटी जांच कर रही है कि ये मीडिया के सरकारी माध्यम दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के इस्तेमाल के नियमों का उल्लंघन तो नहीं हुआ। दोनों संस्थानों से चुनाव आयोग ने जवाब मांगा है। पीएम के संबोधन की जांच के लिए चुनाव आयोग ने डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर की अगुवाई में अफसरों की टीम बनाई थी। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने आयोग से शिकायत की। उधर फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी पर चुनाव आयोग के नोटिस का फिल्म निर्माताओं ने जवाब दिया है। फिल्म निर्माताओं ने कहा है कि इस फिल्म का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं। फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी पर चुनाव आयोग के नोटिस पर फिल्म निर्माताओं ने जवाब देते हुए कहा है कि फिल्म का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। फिल्म कोई राजनीतिक प्रोपेगेंडा नहीं है। फिल्म को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि फिल्म रिलीज की तारीख 5 अप्रैल रखी गई है। रिलीज से पहले चुनाव आयोग की इजाजत लेनी होगी। चुनाव आयोग ने फिलहाल फिल्म निर्माताओं को कोई राहत नहीं दी। कल गुजरात के गांधीनगर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह अपना नामांकन दाखिल करेंगे। गांधीनगर में भव्य रोड शो और उद्धव ठाकरे के आने का भी कार्यक्रम। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह शनिवार को गुजरात की गांधीनगर लोकसभा सीट से पर्चा दाखिल करेंगे। इस मौके पर अमित शाह के साथ शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे भी गांधीनगर में होंगे। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने खुद उद्धव ठाकरे को फोन करके नामांकन में आने का न्योता दिया है।
गांधीनगर में शनिवार को अमित शाह रोड शो भी करेंगे। गांधीनगर से आडवाणी 6 बार चुनाव जीत चुके हैं। अमित शाह गांधीनगर में बीजेपी शिवसेना की एकता को दिखाने के साथ दोनों पार्टियों का शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं, इसलिए उद्धव ठाकरे को बुलाया गया है। बीजेपी के प्रवक्ता और लोकसभा चुनाव में उड़ीसा के पुरी से बीजेपी उम्मीदवार संबित पात्रा ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। संबित पात्रा ने इस दौरान रोड शो किया। जगन्नाथ महाप्रभु के आशीर्वाद से मैंने आज नॉमिनेशन फाइल किया है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जो हिंदुस्तान के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, उनके आशीर्वाद के कारण और अमित भाई शाह जो हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं उनके आशीर्वाद के कारण से मैं यहाँ का प्रार्थी बना हूँ। मैं बार बार कहता हूँ और पूरी की जनता भी कह रही है कि जगन्नाथ जी ने मुझे बुलाया है और नरेंद्र मोदी जी ने मुझे भेजा है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि पूरी में विकास का बयार बहेगा, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ परिवर्तन होगा। और उधर बिहार में महागठबंधन पर चल रहा ग्रहण खत्म हो गया। आज सीटों के आंकड़ों के साथ ही कई उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो गया। पटना में एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार के पूर्व डिप्यूटी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने लोकसभा सीटों को लेकर हिस्सेदारी का ऐलान कर दिया। तेजस्वी ने कई प्रत्याशियों के भी नाम का ऐलान किया है। मीसा भारती पाटलिपुत्र से उम्मीदवार है, रघुवंश प्रसाद वैशाली से चुनाव लड़ेंगे, शरद यादव को मधेपुरा से टिकट मिला है, अब्दुल बारी सिद्दीकी दरभंगा से चुनाव लड़ेंगे, एचएएम के जीतन राम मांझी गया से मैदान में है। पटना साहिब की सीट कांग्रेस के खाते में जाने से शत्रुघ्न सिन्हा पर चल रहा सस्पेंस भी खत्म हो गया है। अमेठी और रायबरेली के दौरे के बाद प्रियंका गांधी आज अयोध्या पहुंची। प्रियंका गांधी ने यहां लोगों से मुलाकात की और कई नुक्कड़ सभाएं भी की। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया। प्रियंका गांधी आज अयोध्या में, उन्होंने सुबह हनुमान गढ़ी जाकर पूजा की और फिर अयोध्या के लोगों से मिलते हुए कई नुक्कड़ सभाएं भी की। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। इतने बड़े देश में अपने ही क्षेत्र के अंदर उनके लिए समय नहीं मिला कि वो आपकी हालत पूछे। देश भर घूम आए। लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या में प्रियंका के दौरे पर साधु संतों और राम जन्मभूमि विवाद से जुड़े पक्षों ने निशाना साधा है। बाबरी मस्जिद मामले में पक्षकार इकबाल अंसारी ने प्रियंका के दौरे को सियासी दौरा बताया। जब 60 साल में कांग्रेस ने अयोध्या में कुछ नहीं किया तो आज जो है अयोध्या में दर्शन पूजा करें जो है और राजनीतिक फायदा कुछ नहीं होने वाला है। वहीं रामलला मंदिर के मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास ने भी प्रियंका की अयोध्या यात्रा को राजनीति से प्रेरित बताया है। प्रियंका गांधी जी का जो यात्रा है वो कोई धार्मिक यात्रा नहीं है, वो कांग्रेसी यात्रा है और वोट के लिए यात्रा है। वो आएंगी और हनुमान जी का दर्शन करेंगी और रोड शो करेंगी। कांग्रेस ने आज 12 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। बिहार में कांग्रेस के कौन से उम्मीदवार मैदान में होंगे, आइए इसी पर नजर डालते। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए कांग्रेस ने अपनी एक और लिस्ट जारी कर दी है जिसमें 12 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। इस सूची में 7 उम्मीदवार ओडिशा, 4 बिहार और 1 उत्तर प्रदेश से हैं। इस लिस्ट के मुताबिक पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार सासाराम से उम्मीदवार हैं, श्रीमती रंजीत रंजन बिहार के सुपौल से उम्मीदवार हैं, डॉक्टर अशोक कुमार समस्तीपुर से चुनाव लड़ेंगे, श्रीमती नीलम देवी मुंगेर से उम्मीदवार होंगी। वहीं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से तनुश्री त्रिपाठी का नाम हटाकर सुप्रिया श्रीनाथे को टिकट दिया गया है। 2 दिन पहले कांग्रेस में शामिल हुई उर्मिला मातोंडकर को पार्टी ने उत्तर मुंबई से चुनावी मैदान में उतारा है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन जारी है। 2 दिनों में 6 आतंकियों को सेना ने ढेर कर दिया है। साथ ही पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में 6 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। सेना के ऑपरेशन क्लीन के तहत आतंकियों के पीछे मुखबिरों को लगाया गया है और सटीक जानकारी मिलते ही सेना आतंकियों को घेर कर उनका खात्मा कर रही है। ऑपरेशन क्लीन के तहत जम्मू कश्मीर के बडगाम में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। दोनों आतंकी जैश ए मोहम्मद के हैं। आतंकियों के पास से 1 M4 राइफल बरामद हुई है। M4 स्नाइपर गन है, दूर से निशाना लगाया जा सकता है। सेना की कार्रवाई में 1 जिंदा आतंकी को भी पकड़ लिया गया है। पुलवामा हमले के बाद सेना ने आतंकियों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया था। आतंकियों के पास M4 राइफल होना एक बड़ी बात है।
M4 अमेरिकी सेना का एक अहम हथियार है। अमेरिकी सैनिक इसका इस्तेमाल अफगानिस्तान में करते थे। कहानी ये है कि सेना के एक्शन से पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान अब आतंकियों को स्नाइपर गन्स दे रहा है। पाकिस्तान की आर्मी भी LOC पर स्नाइपर गन से लैस है। पीठ पर वार करने वाला पाकिस्तान स्नाइपर गन से सेना के जवानों को दूर से निशाना बना रहा है। अब आतंकियों को भी स्नाइपर की सप्लाई की गई है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कैसे राजस्थान में नाश्ते नाश्ते गिर गए नेताजी। नाश्ते नाश्ते गिर पड़े नेताजी जो हैं, उनका नाम है कांग्रेस के हीरा राम मेघवाल। आपको बता दें, हीरा राम मेघवाल बिलाड़ा से कांग्रेस विधायक हैं और अब इनके डांस करने की पूरी कहानी भी समझ लीजिए। दरअसल पाली लोकसभा सीट के लिए पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ और जोधपुर से वैभव गहलोत को टिकट मिलने की खुशी में विधायक हीरा राम मेघवाल डांस कर रहे थे। टूटी हुई सड़क पर पैर फिसलने से विधायक जी गिर गए। पास खड़े कांग्रेसी नेताओं ने सहारा देकर उठाया। विधायक जी को हालांकि ज्यादा चोट नहीं लगी है। तस्वीरें आपके सामने। तो 2019 की 19 कहानी आप देख रहे थे।